पटना जंक्शन के पास मौजूदा जामा मस्जिद के पास रमजान के आखिरी जुम्मे की नमाज के दिन यहाँ नमाज पढ़ने आए कुछ लोगों ने अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगाए। नारे लगाने वालों में से एक की पहचान रईस गजनवी के रूप में हुई। रईस ने इस दौरान केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए। नारा लगा रहे रईस गजनवी ने अतीक अहमद को शहीद बताया और कहा कि ये हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई। अतीक के समर्थन में हुई नारेबाजी के बाद पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। जामा मस्जिद के बाहर दुकान चलाने वाले रईस गजनवी ने कुछ लोगों के साथ अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगाए थे। एसडीएम सदर के नेतृत्व में बिहार पुलिस की एक टीम रईस को गिरफ्तार करने मौके पर पहुंच गई। पुलिस जब तक उसे दुकान पर पहुंचकर गिरफ्तार करती, आरोपी को इसकी भनक लग गई और वो वहां से फरार हो गया। फिलहाल उसकी दुकान के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अतीक अहमद के समर्थन में नारेबाजी को लेकर बीजेपी ने सरकार का विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि महागठबंधन की सरकार अपराधी और भ्रष्टाचारी को संरक्षित कर रही, आतंकवादी और अपराधी कभी शहीद नहीं हो सकता। बिहार के अंदर आज जिस तरह से आतंकवादियों, अपराधियों, उग्रवादियों का शरणस्थली बना रहा है, ये सरकार अपराधी और भ्रष्टाचारी को संरक्षित कर रहा है। आज आतंकवादी, अपराधी, उग्रवादी कभी शहीद नहीं हो सकता। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा पटना पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप अटकलें लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, जब जरूरत होगी तब हम बुलाकर सब बताएंगे। अमित शाह और कुशवाहा की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज कि कुशवाहा बीजेपी का हिस्सा बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ दर्ज सभी FIR को एक साथ जोड़ने का आदेश दिया। कोर्ट ने कश्यप के खिलाफ सभी FIR को बिहार ट्रांसफर कर दिया। साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने NSA को चुनौती देने और FIR रद्द किए जाने की मांग करने वाली याचिका पर तमिलनाडु और बिहार राज्य की दोनों सरकारों को नोटिस जारी किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना पर हुए आतंकी हमले के बाद JDU प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, हमारे सैनिकों का शहीद होना चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने कहा कि घटना की जांच के लिए केंद्र सरकार NIA की टीम भेज रही। नोटबंदी के बाद आतंकवाद को निर्मूल करने के दावे के बीच हमारे सैनिक, जो सैन्य पुरुषार्थ हमारा है, उनका शहीद होना हम लोग के लिए चिंता का विषय है और हमारी उम्मीद है कि केंद्र सरकार NIA की टीम भी भेज रही है और सक्षम रूप से, जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और ये हमारे सैन्य बल जो हमारे सैन्य पुरुषार्थ के प्रतीक हैं, तो इसको गंभीरता से संज्ञान में लेकर के राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जो हमारी नीति है, दृढ़ विश्वास है कि प्रतिकार मजबूती के साथ करेगी। राहुल गांधी की याचिका खारिज होने पर RJD नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी को निश्चित रूप से राहत मिलेगी, बीजेपी को संवैधानिक मूल्यों का लिहाज नहीं। जो उन्होंने उन्होंने जो जजमेंट दिया, फैसला दिया, उसके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट का जितना भी उद्धरण दिया जजमेंट का, उसमें कहीं फिट दिखाई नहीं देता है राहुल गांधी के मामले में। लेकिन कह दिया उन लोगों का, माने एक ये जजमेंट आया और दूसरे तरफ देखिएगा कि 2002 का जो दंगा हुआ था उसमें मायाकुंड नानी, जो नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री थी, बाबू बजरंगी जैसे लोग छोड़ दिए गए। ये स्थिति है इन लोगों का, माने कोई लिहाज जो होता है संवैधानिक मूल्यों का, माने लोकतांत्रिक मूल्यों का, अच्छे बुरे का कोई लिहाज नहीं है। जजमेंट में कुछ है नहीं, हमको लगता है कि मामला ऊपर जाएगा, निश्चित रूप से राहुल गांधी को इस मामले में राहत मिलेगी। दरभंगा के सुपौल बाजार के पुरानी थाना चौक के पास दो पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। इस घटना में कई लोग घायल हो गए, सभी घायलों को बिरौल CSC में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर DSP मनीष चंद्र चौधरी और SDO संजीव कुमार कॉपर दलबल के साथ पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। SDO संजीव कुमार ने घटना के बारे में बताते हुए कहा कि हालात सामान्य, दो बच्चों के बीच का
आपसी विवाद था। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्य में ओबीसी एससी एसटी आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने में संबंधित बिल राज्य सरकार को वापस लौटा दिया है। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से मंजूरी के लिए आए इस बिल पर भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी से राय मांगी थी। अटॉर्नी जनरल ने आरक्षण बढ़ाने के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और कई दूसरे न्यायाधीशों के विपरीत बताया। राज्यपाल ने इसी आधार पर सरकार को बिल वापस करते हुए उसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया है।